आज हाथरस और बलरामपुर की बेटियों को न्याय दिलाने तथा इस बेशरम बेरहम तानाशाह सरकार के रवैये के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित जी ने शहीद स्मारक संजय पैलेस आगरा में कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मनोज दीक्षित जी ने कहा कि यह सरकार बलात्कारी सरकार है। योगी और मोदी प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचारों को रोक पाने में असमर्थ हैं। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर पहुंच गया है, चाहे वह बुलंदशहर की घटना हो, चाहे वह हाथरस की घटना हो या बलरामपुर की घटना। साथ अगर दिखाते तो आज पूरा देश देख रहा होता सब लोग, ये हम भी सरकार के साथ खड़े होते, ऐसा नहीं। लेकिन आज अगर हम किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं और न्याय दिलवाने की मांग करें तो ये कोई गुनाह तो नहीं होता, और अगर उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी तो फिर हम, मुझे तो नहीं लगता कि हम इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि बेटी हाथरस की नहीं है, बेटी आगरा की, बेटी पूरे देश की बेटी।